नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी, जी हां, आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की निकली सीधी भर्ती की। दोस्तों आंगनवाड़ी में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म भर के जमा कराना होगा। आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की वैकेंसी निकाली गई है और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 5वीं पास मांगा गया है और बड़ी हेल्पर के लिए भी सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। अगर आप 5वीं पास महिला अभ्यर्थी हैं तो आप इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। महिलाओं के लिए काफी अच्छा मौका है। आपको बता दें, इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के आपका सीधी भर्ती के तहत सिलेक्शन हो जाएगा। उम्र सीमा 18 से 44 साल इस भर्ती के लिए दी गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सके। और आंगनवाड़ी की इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी गूगल में सर्च करें www.tipsviralbuzz.xyz। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर आप जाकर के पूरी भर्ती की जानकारी ले सकते हैं और आंगनवाड़ी की इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और दोस्तों सरकारी नौकरियों की खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जी हां, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी देखने को रही है करनाल हरियाणा की तरफ से। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर की वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है और आपको फॉर्म जो है भर करके जमा कराना होगा, ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर सिर्फ आपकी इंटरव्यू होगी और यहां पर आपकी सैलरी जो है आंगनवाड़ी के रूल्स के अनुसार आपको दी जाएगी और जॉब लोकेशन करनाल हरियाणा का रहेगा। ठीक है, और यहां पर जो है एज लिमिट, जी हां, 18 से 44 साल यहां पर एज लिमिट है और एप्लीकेशन फीस जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर दी गई है और यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कम से कम सिर्फ 5वीं पास। जी हां, अगर आप 5वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं 8वीं 12वीं पास भी हैं तो भी आप 5वीं की बेस पर ही आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास 5वीं कक्षा की मार्कशीट है, अंक तालिका है, तो आप 5वीं बेस पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, आवेदन का प्रोसेस यहां पर बताया गया है। 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। नोटिफिकेशन के लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो आप जैसे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है काफी ब्लर है, जिस वजह से यहां पर जो है काफी कुछ दिखने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहां पर आप देखते हैं पांचवी कक्षा के बारे में साफ साफ यहां पर बताया है कि न्यूनतम योग्यता 5वीं पास मांगी गई है और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहां पर मिलेगा, यहां पर साफ साफ बताया है। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके उसी कार्यालय में ही दिनांक 31 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक जमा कराना होगा। अगर आप हरियाणा के करनाल के निवासी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी उम्र 18 से 44 साल है, 5वीं पास है, तो आप आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी जगह पे ये वैकेंसीज निकाली गई है पूरी यहां पर जानकारी दे रखी है। इन दोनों नोटिफिकेशन पे आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आंगनवाड़ी की भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके राज्य की जो भी आंगनवाड़ी की भर्ती आती है वो आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा दी जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।